शरारती तत् जी मूवी तुसी बनाई है जी बुक लिखी है वो थॉट थानू कितों की आया भाई मिंटू की किताब कितों मिल गई है ना वो मैं थोड़ी जी पढ़ी मैं तो पूरी नहीं अजे पढ़ हुई तो अजे वो सी फिर मेरे थॉट जो चल पाया कि यार ये उस विषय से लिखी किताब है तो मैनू भी लिखनी चाहिए लिखी सौखी भाषा च है ना अपने तजर्बे से फिर वो एक आटोबायोग्राफी बन गई उस तजर्बे लिखते लिखते नु कोई बचपन च चले गया है ना उतों जाता जाता तो वह किताब आ गई तो फिर पसंद बहुत हुई तुहानू स्कूले इस ना तो बुलाया जाता सी कि ये शरारती तत् है तुहाडे प्रिंसीपल ने एक बार शायद तुहाडे फैमिली नु इनफॉर्म किया उन्होंने इदा बोलिया कि शरारती तत् हैगा है फिर मदर मेरे है ना अनपढ़ ने बिल्कुल उन्होंने साढ़े रूपा सैनी मैडम से उन्होंने समझाया कि शरारती तत् मतलब यह बिगड़िया होया बंदा है ना बिगड़ैल तत् बिगड़िया होया तत् है ना नशे का अडिक्शन जिहड़ा सबनों पता है कि माड़ा हुंदा पर वो एक थॉट है जिहड़ा जिहड़ा साढ़े दिमाग चाहुंदा कि मैं तो कदे कदे करूँगा मैंने लगता मैनू लग्या कि मैं मैनू नहीं लगेगा जिन्हां नूं लगता होर तरह के ने मैं कोई खास है मैनू तो तोड़ लगनी ही नहीं है ना मैं कदे भी करके कदे भी छड़ सकदा दो तरह के लोग होंगे ने एक तो जिहड़े हीण भावना च नशा करते हैं मेरे वर्गे ने जिहड़े फुकरे बंदे कह सकते हो तुसीं जां जिहड़े अपने आप नूं घेंट समझते हैं है ना कि मैनू नहीं लगेगा मैं उस घेंटपणे च फसदा फसदा फस गया फिर पता ही ना लग्या सत श्री अकाल अज असी खड़े हाँ मंगा सिंह अंटाल जी के नाल जिन्हें उत्ते बनी है मूवी डाकुआ का मुंडा टू तो ये उन्होंने ऑटोबायोग्राफी बुक जी हैगी है शरारती तत् उत्ते बेस्ड है तो असी अज जानते हैं मंगा सिंह अंटाल जी तो कि रहा पूरी जर्नी उन्होंने किदा दी रही तो जानते हैं सर थोड़े तो कि शरारती तत् जी मूवी तुसी बनाई है जी बुक लिखी है वो थॉट थानू कितों की आया थानू कदों लगा कि मैं ये बुक लिखनी चाहिए है नहीं सत श्री अकाल पहला तो हाँ वो किताब का तो यह सी कि जो मैं अडिक्शन चो बाहर आ गया है ना मेरा बड़ा मतलब महानरक वर्गी जिंदगी रखी है मैं रही है ना नशे नकरी तो उस तो बाहर आके जो मैं बहुत लोग मिले जिहड़े नशा छड़ रहे ने जिन्हां नाल फिर छड़न वाले नाल वाह वास्ता पिया पहले तो करन वाले नाल ही सी ना हाँ फिर छड़न वाले नाल पिया तो उत्थों दिखदा सी कि बंदे रीहैब चों बाहर आए डॉक्टर की मैडिसन लई फिर वह वापस रिलैप्स हो जाते मतलब दोबारा नशा करन लग जाते तो मेरे को जिहड़ा तजर्बा सी कि वापस ना जाया जाए जिहड़ा साडा ग्रुप सी साबका अडिक्स मित्रां दा है ना बहुत वड्डा असी शेयरिंग करते कि आप समस्यावान ने उत्थे खड़े रहना आप नशा छड़िया आदत पुरानी है लोग अपन उवें ही देखते हैं घर दे उवें ही देखते हैं कि आप गुस्सा करके जा खुशी च जा इमोशन काबू नहीं कर पाते वापस रिलैप्स हो जाने आप ना होइए तो आप करिए किमें सोचिए मतलब जी जो जो गड़बड़ होंगी है जो खुशी होंगी गमी होंगी जो जिदे करके आप गुस्सा करके दोबारे नशा करते हैं ना तो मैनू लगता सी मैं वह ठीक कर रहा है मतलब जिन्हिया जिन्ने वो शंके ने अडिक्ट बंदे दे जिहड़ा वो छड़ नहीं पाउंदा जां छड़ के दोबारा लग जांदा वो मेरे क्लीयर हो रहे सी वन बाय वन तो जो वन बाय वन क्लीयर हो रहे सी मैनू लगता सी कि ये चीज़ है जिहड़ी ये लोगों च जानी चाहिए है तो किवें जावे हुण मैं किसी नूं बांह तों फड़ के नहीं कह सकता कि यार मैं अडिक्ट सी है ना जां मैं ये सी तू ऐं कर तू ऐं कर तो मैनू फिर मैं भाई मिंटू की किताब कितों मिल गई है ना वो मैं थोड़ी जी पढ़ी मैं तो पूरी नहीं अजे पढ़ हुई तो अजे वो सी फिर मेरे थॉट जो चल पाया कि यार ये उस विषय से लिखी किताब है तो मैनू भी लिखनी चाहिए पर मेरे को जो लिखी गई फिर मैं होर की लिखा है ना वो गल कि जिथे तक नशा छड़ देंदा बंदा उस तो बाद वाला जिहड़ा तजर्बा सी मैं उन्हूं एक्सप्लेन करना चाहुंदा सी ताकि कोई रिलैप्स ना हो फिर वो लिखिया कदे है नहीं सी पर जिवें कई चीज़ां ने जिहड़ियां थोड़े तो तुसीं करदे नहीं हैगे वो हो जांदियां ने जां कोई करवा लैंदा पता नहीं कौन करवाउंदा है ना जां कोई हायर पावर है जो भी है वो मेरे तो मैं लिखदा गया लिखी सौखी भाषा च है ना अपने तजर्बे से फिर वो एक आटोबायोग्राफी बन गई उस तजर्बे लिखते लिखते नूं कोई बचपन च चले गया है ना उत्थों जाता जाता तो वो किताब आ गई तो फिर पसंद बहुत हुई सर ते ए शरारती तत् जिहड़ा नाम हैगा ए जित्थों तक मैनू पता चलिया तुहानू स्कूले इस नाँ तो बुलाया जांदा सी कि ये शरारती तत् है तुहाडे प्रिंसीपल ने एक बार शायद तुहाडे फैमिली नू इनफॉर्म किया उन्होंने इदा बोलिया कि शरारती तत् हैगा है तो उन्होंने पूछा तुहाडी मदर ने पूछा कि इहदा की मतलब हुंदा है तो उन्होंने समझाया गया कि तुसीं इह उहदे तो ही पिक किया टाइटल हाँ नहीं वो शरारती तत् नहीं सी उन्होंने कहा वह कहिंदे सी इह एंटल
एंटी सोशल एलीमेंट वो साडा नोट्स बोर्ड पर लिखा हुंदा सी एंटी सोशल एलीमेंट भी इन्हां नूं अंदर ना होस्टल च भी ते कॉलेज भी वो जदों मदर नूं मेरे बीबी जी नूं बुलाया है ना उन्होंने कहा कि वो है भाई इनू घरों तुसीं पैसे नहीं इन्ने दिंदे पर इन्हां कोल कपड़े देखो किन्ने महंगे ने ये कित्थों लैंदे ने कपड़े है ना ये लोगों तो उगराही करते हैं है ना हफ्ता वसूली ए शब्द बोले फिर मदर मेरे है ना अनपढ़ ने बिल्कुल उन्होंने साडे रूपा सैनी मैडम सी उन्होंने समझाया कि शरारती तत्व मतलब यह बिगड़िया होया बंदा है ना बिगड़िया होया तत्व है ना तो वह फिर उस तो मेरे जो लिख रहा कि टाइटल की रखा जाए तो शरारती तत्व क्योंकि मेरा जोड़ा जो मेरा बचपन है जोड़ा है ना वो इस तरह का ही है तो फिर मेरा सुभाव भी इस तरह का वो पर कुछ 16-17 साल हो रहे जिचों ये तत्व बिल्कुल खत्म से है ना फिर होर तरह की जिंदगी सी तो हूँ भी मैं मतलब बहुत खुश हैं बचपना उन्ना ही है तो सर तुसी अपने स्कूल के पहले स्टूडेंट सी जिन्होंने नैशनल लैवल च कबड्डी खेडी सी ते किदां ट्रांजिशन किदां हो गया इन्ने अच्छे प्लेयर तुसी रहे उहदे बाद फिर तुसी ड्रग की दुनिया च आ गए एक किदां ये ट्रांजिशन किदां हो गया तुहाडी लाइफ च मतलब इन्ने अच्छे प्लेयर होने के बाद मतलब इन्ना प्राउड मोमेंट सी तुहाडे लिए तुहाडी फैमिली के लिए तुहानू क्यों लगा कि मैनू इहदी लोड़ पएगी या इदा दा की है कि क्यों ये मैनू अच्छा लग रहा है तुहानू मतलब एक बार भी क्लिक नहीं किया कि मैनू ये शायद नहीं करना चाहिए मेरे लिए अच्छा नहीं है नहीं नहीं नशे का अडिक्शन जिहड़ा सब नू पता कि माड़ा हुंदा पर वो एक थॉट है जिहड़ा जिहड़ा साडे दिमाग च हुंदा कि मैं तो कदे कदे करूँगा मैं पक्का नहीं करूँगा ज मैं जिमें दो दिन करिया है ना नहीं नहीं दो दिन करिया तो फिर वो तोड़ नहीं लगती बंदे लगता मैनू लगे कि मैं मैनू नहीं लगेगा जिन्हों लगता होर तरह के ने मैं कोई खास है मैं बड़ा घेंट है मैनू तो तोड़ लगनी ही नहीं है ना मैं कदे भी करके कदे भी छड़ सकदा उस थॉट च उलझदा मतलब उलझ गया फिर पता ही लगे जे मतलब जे मैं डरदा नहीं सी असल च है ना दो तरह के लोग होंगे ने एक तो जेडे हीन भावना च नशा करते हैं मेरे वर्गे ने जेडे फुकरे बंदे कह सकते हो तुसीं जां जिहड़े आपदे आप नूं घेंट समझदे ने है ना कि मैनू नहीं लगेगा मैं उस घेंटपणे च फसदा फस गया फिर पता ही ना लग्या सर ते तुहानूं किन्ना टाइम लग गया मतलब इहदे तों बाहर निकलण दे लई और की ओ पल सी किन्ने तुहानूं मोटीवेट कीता कदों तुहाडे माइंड च इह गल आई कि हुण मैनूं नशे छड्डने है हुण मैनूं फोकस करना है मेरी लाइफ च मतलब कदों तुहानूं इह थॉट आया किन्ने तुहाडी हैल्प कीती उस टाइम च नहीं इह थॉट तां आपां पहलां प्रैस कॉन्फ्रेंस भी इह गल हो गई कि अडिक्ट बंदा कोई भी है मान लो किसी का जी नहीं करता कि वो घरवाली उन्हें छड़ के जाए वह सहुरा उन्होंने बीज कहे वो रिश्तेदार उन्होंने कहन के तू असले का ही नहीं है है ना तू तो मतलब किसी का जी नहीं करता मैं पंजाब के इंडिया के सब तो टॉप का कॉलेज है फिजिकल एजुकेशन पटियाला गवर्नमेंट कॉलेज है उत्थे मेरी एडमिशन तो मैं नैशनल इधर तक खेडिया हुआ है ना मैंने सारी समझ फिर भी मैं नशा कर रहा मैंने जॉब मिल गई मैं फिर भी नशा कर रहा मतलब मेरे छित्र पै रहे हैं फिर भी मैं नशा कर रहा उतों तो रोज़ निकलता बंदा कि मैं छड़दा पर वो जड़े एक भरमां दे मतलब जंजीर बन जाए कि जे मैं नशा छड़ता मैनू ये होजू जो मेरे तो आ नहीं होना मैं जिमें ब्योता जिंदगी वाले बंदे तो यही डरी जाते हैं कि मैं मर्द ही नहीं रहना है ना मैं नशे नाल ही मैं मतलब मर्द है वो एवें दे मतलब वो जड़े वहम ने शंके ने वो छड़न नहीं देंदे वैसे बंदा रोज़ छड़ता उन्हू सपोर्ट मिले जो उन्होंने रस्ता मिले तो कोई भी बंदा नहीं नशा करेगा क्योंकि किसी का नहीं जी करता नाली च गिरनू बाथरूम च गिरनू है ना जो ओवरडोज़ होकर मरनू सर ये नो डाउट कि जिदा असं जानते कि तुहाडी वाइफ अमृत कौर जी ने उन्होंने तुहाडी बहुत सपोर्ट की है मतलब मैं तुहाडे बारे च पढ़ रही थी और मेरी रूह काप गई कि मतलब किन्ना स्ट्रगल उन्होंने लिए भी रहा उन्होंने किन्ना हार्ड पीरियड उस टाइम मतलब स्पेंड किया होएगा किन्नी दुआवां कीतियां तुहाडे लिए कि तुसी वापस नॉर्मल लाइफ च आ जाओ अज तुसी उन्होंने लिए कुछ कहना चाहते हो कोई एक मैसेज नहीं मैसेज मतलब तुहाडा जो दिल दी जो एक गल है जो अजे तक तुसी शायद नहीं बोल पाए पर कैमरा चो जो तुसी उन्हां नूं बोलना चाहते हो नहीं मैं रोज़ बोलता हूँ उन्होंने तो मैनू लगता है फाइटर उ ही है मे जड़ी फिल्म की कोई इस फिल्म चो देव खरौड़ बड़ा चेहरा है ना तो देव खरौड़ की बई दे मोढ़ियां ते फिल्म रही आम करके पर जे तुसी असल पुछो तो मेरी जिंदगी दी जड़ी लाइफ साढ़े घर की जड़ी हीरो है हीरो वो अमृत है
बस नो डाउट सर। थैंक यू सर, थोड़े नाल गल्लां करके बहुत अच्छा लगा। मैं यो विश करती हूँ कि थोड़ी ये जो आने वाली मूवी है, जो तुसी बुक्स लिखी जिदे ऑलमोस्ट 10,000, तो ये बहुत वड्डी गल है, अचीवमेंट है अपने आप च, जो तुसी मैसेज दे रहे हो अपने बुक दे राही और जिहड़ी मूवी दे राही वो सब दे कोल पहुँचे, वो मैसेज यंग यूथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ मूवी जरूर वेखन जाए, सर ने बहुत हार्डवर्क किया है और इन्हों के पिछे इन्हों की फैमिली का भी काफ़ी हार्डवर्क रहा है। तो प्लीज़ जरूर वेखन जाए डाकुआ का मुंडा 2। थैंक यू सर। देश दुनिया दी खबरां सब तो पहला जानने के लिए लाइक सबसक्राइब ते फॉलो करो स्क्रोल पंजाब।